सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर टू नाइट अपडेट के बारे में। आपको 20 मई के दिन क्या नया देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। और भाई लोग यार वीडियो को पूरा देख लेना यार, इतना सा कर देना यार, वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्पाइडर वाला यहाँ पे बंडल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस यार OB40 अपडेट के बाद यहाँ पे कोलैबोरेशन ग्रेना वाले करने वाले हैं स्पाइडर के साथ। तो उसी का बंडल आपको देखने को मिलने वाला है, जिसका लुक यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 4 न्यू वाले बंडल देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें गाइस आपको 2 फीमेल एंड 2 मेल के बंडल देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें से गाइस आपको ये हमें नॉर्मली होने वाले बंडल, तो हो सकता है कि ये आपको चारों बंडल यहाँ पे फ्री में मिल जाएं। कुछ आपको गोल्ड रॉयल में, कुछ आपको यहाँ पे FF टोकन में, और कुछ आपको यहाँ पे किसी इवेंट में देखने को मिल जाएं। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है न्यू वाली MP40 की स्किन, जो कि आने वाली है ईवो MP40 होने वाली है, ये भी ईवो MP40 2.0 होने वाली है, जिसका लुक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई लोग अभी तक आपको यहाँ पे सिर्फ M10 की यहाँ पे 2 ईवो गन स्किन देखने को मिली है, लेकिन गाइस आपको स्कार की भी देखने को मिलेगी एंड MP40 की भी आने वाली है। तो जितने भी ईवो गन है इसकी 2-2 गाइस यहाँ पे ग्रेना वाले लाने वाले हैं बारी बारी में। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नए आपको बन्नी बंडल देखने को मिलने वाले हैं, जिनका लुक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ग्रेना वाले सिर्फ यार एक ही बंडल यहाँ पे ग्रेना वालों ने लाया है, सिर्फ उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो गाइस यार बिल्कुल यहाँ पे ग्रेना वाले अभी लूटने में लगे हुए हैं। और उसी के साथ में गाइस यार OP40 अपडेट के बाद यहाँ पे जितने भी मैप के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, जितने भी गेम के अंदर चेंजेस होने वाले, तो मैं आपको वो सभी बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यार आज यहाँ पे एडवांस सर्वर ओपन होने वाले हैं, करीब यहाँ पे 1 बजे ओपन होगा। तो गाइस यार मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूंगा, बहुत सारे चेंजेस होने वाले, जैसे कि रिमनाम पूरा चेंज होने वाला है, जो मैप में आपको जगह देखने को मिलती है बरमूडा में। एंड उसी के साथ में रिवाइव सिस्टम भी गाइस यार कुछ यहाँ पे नया आने वाला है। तो यार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में जब डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसी के साथ में गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ न्यू वाला करेक्टर, जो सोनिया करेक्टर आने वाला है, तो इसकी स्किल के बारे में बता देता हूँ। तो ये एक पैसिव स्किल करेक्टर होने वाला है, तो इसकी स्किल कुछ ऐसी वर्क करने वाली है कि जैसे आपको कोई बंदा अगर मार रहा है तो आपकी सिर्फ HP यहाँ पे 10 या 20 की बची हुई है, तो डायरेक्ट आपको उसी टाइम यहाँ पे सीधा यहाँ पे 150 की HP मिल जाएगी। सिर्फ 6 सेकंड के लिए आपको 150 की HP मिलेगी। अगर आप उस बंदे को 6 सेकंड में नहीं मार पाते हो तो फिर आप अपने आप मर जाओगे। तो इसकी स्किल कुछ यहाँ पे सिंपल सी होने वाली है, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है नेक्स्ट रैंक टोकन के अंदर जो आपको बंडल दिखाई देने वाला है। तो इस बार आपको फीमेल का रैंक टोकन के अंदर बंडल दिखाई देने वाला है, क्योंकि पहले मेल वाला आया था, तो अभी आपको फीमेल वाला देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे न्यू वाली लोबी, जो कि OB40 अपडेट के बाद होने वाली है। तो ये लोबी आपको 6th एनिवर्सरी के थीम के ऊपर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो OB40 का अपडेट आने वाला है तो ये 6th एनिवर्सरी के थीम के ऊपर होने वाला है। और उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे OB40 अपडेट के ऑल बंडल्स, एंड यहाँ पे कुछ पेट भी होने वाले हैं, बन्नी बंडल भी इसी में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इतने सारे बंडल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ फ्री फायर टू नाइट अपडेट के बारे में कि आपको 20 मई के दिन क्या नया देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस यार जितने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई लोग यार कर देना, एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना मेरे भाई, प्लीज यार कर देना। तो गाइस आपको 20 मई के दिन कोई भी नया इवेंट हमारी गेम के अंदर नहीं दिखाई देने वाला है, कुछ बड़ा इवेंट तो नहीं आने वाला है, बाकी आपको कुछ छोटा मोटा इवेंट दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि स्टोर के अंदर कुछ आ गया, ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स आते रहते हैं। तो बस भाई लोग यही था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में।